ध्वनिर्वर्णा पदम वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग समिति. ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र समाज की सामाजिक संरचना और सामाजिक समस्याएं की दूसरी इकाई पर आधारित है. कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील गोयल. इस कार्यक्रम का ध्वनांकन संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने. तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग समिति. समाज के अंग समिति विषय पर आयोजित इस रेडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर सुनील गोयल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं. मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे समाज के अंग के रूप में समिति की क्या भूमिका है, समिति किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के अंग के रूप में निभाती है, समिति की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, समिति की विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. मनुष्य एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राणी है. उसकी अनेकानेक आवश्यकताएं होती है जिसकी पूर्ति वह स्वयं या अकेले किसी भी रूप में नहीं कर सकता. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास तीन रास्ते होते हैं. एक, वह स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे. द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह दूसरे से संघर्ष करके या छीना झपटी के माध्यम से भी कर सकता है. तृतीय, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करे एवं उन्हें सहयोग भी दे. इन तीनों रास्तों में तृतीय रास्ता या उपाय सबसे अच्छा एवं उत्तम माना जाता है. इस प्रकार मिलजुल कर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समिति का जन्म होता है. दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मिलजुल कर या परस्पर सहयोग करके किसी प्रकार के संगठन को जन्म देता है तो उसे हम संक्षेप में समिति कह सकते हैं. समाज कार्य सामाजिक संगठन पर आधारित संबंधों का विज्ञान है. इस दृष्टिकोण से समिति को समाज कार्य की महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में भी स्वीकार किया गया है. सामान्य दृष्टिकोण से समिति एवं संस्था में इतनी अधिक समानता दिखाई देती है कि सामान्य व्यक्ति भी भ्रम में पड़ जाता है. जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया जाता है उनकी पूर्ति हेतु अर्थात उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था होती है. इस रूप में कहा जा सकता है कि संस्था समिति की इच्छाओं, लक्ष्यों या उद्देश्यों की सामाजिक रूप से एक स्वरूप प्रदान करने की व्यवस्था है. समिति और संस्था इस रूप में समाज कार्य की मौलिक अवधारणा है जिनकी हम विस्तृत रूप से चर्चा इस लेक्चर में कर रहे हैं. प्रश्न हमारे सामने यह उत्पन्न होता है कि आखिर समिति का अर्थ क्या है, समिति को किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है. आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं. सामान्य अर्थों में समिति उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों या लक्ष्य प्राप्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं. उदाहरण के लिए, दशहरा के समय कुछ व्यक्ति
नवदुर्गा महोत्सव मनाने के उद्देश्य से एक संगठन बना लेते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नवदुर्गा उत्सव को संपन्न करना होता है। इस संगठन से जुड़े सभी सदस्य इस उत्सव से संबंधित सभी प्रकार का कार्य करते हैं। वास्तव में यही समिति है। इसी प्रकार गणेशोत्सव समिति, महिला उद्धार समिति, बाल उद्धार समिति को भी देखा जा सकता है। समाज कार्य की मूलभूत अवधारणा होने के कारण विभिन्न समाज कार्य के विद्वानों ने समिति के संदर्भ में भी अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए इन विचारों को भी जानने का प्रयास करते हैं। मैकाइवर और पेज ने समिति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समिति सामान्य प्रकार के उद्देश्यों एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। मैकाइवर के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समिति उन व्यक्तियों या मनुष्यों का संगठित समूह है जिनका मूल या मुख्य कारण एक या एक से अधिक उद्देश्य या लक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करना होता है। ईएस बोगार्डस ने समिति की तुलना अत्यंत लघु किंतु सारगर्भित परिभाषा व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रायः समिति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करती है। बोगार्डस के विचार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करना ही समिति कहलाता है। गिलीन और गिलीन ने समिति के प्रक्रियात्मक पक्ष को केंद्रित करते हुए समिति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। गिलीन के अनुसार समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित होता है तथा समाज द्वारा मानव व्यवहारों एवं कार्य प्रणालियों द्वारा कार्य करता है। इस विचार से यह भी स्पष्ट होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही मात्र मिलजुल कर कार्य करना ही समिति नहीं है, बल्कि मिलजुल कर कार्य करने में मानव व्यवहारों तथा कार्य प्रणालियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन्सबर्ग ने लिखा है कि समिति परस्पर संबंधित व्यक्तियों का एक समूह है जो वास्तव में एक लक्ष्य की सुरक्षा या प्राप्ति के लिए संस्थात्मक रूप से गठित होती रहती है। फेयरचाइल्ड लिखते हैं, समिति एक ऐसा संगठित समूह है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा जिसका एक आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा भी होता है। समाज कार्य के शब्दकोश के अनुसार समिति किसी सामान्य हित की प्राप्ति के लिए निर्मित किया गया संगठित समूह है जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समिति उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के लिए बनाया जाता है तथा जिसके अंतर्गत सभी सदस्य कुछ नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों के केवल उसी संगठन को समिति कहा जा सकता है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के द्वारा कार्य करता है तथा जिसके उद्देश्य समाज विरोधी नहीं होते हैं। यदि कुछ व्यक्ति समाज विरोधी उद्देश्य को लेकर एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं तो इसे समिति कदापि नहीं कहा जा सकता। समिति की इस धारणा को अनेक विशेषताओं द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। आइए देखें यह विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अनेक समिति की विशेषताएं हैं जो समिति की अवधारणा को, समिति के लक्षणों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करती हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह है, या यूं कहें समिति एक ग्रुप ऑफ पर्संस है। एक समिति तब बनती है जबकि अनेक व्यक्ति मिलकर किसी हित की पूर्ति के लिए परस्पर संगठित होना आवश्यक मानते हैं। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर जिस समूह का वे निर्माण करते हैं उसे समिति कहते हैं। समिति मूर्त है। समिति चूंकि मनुष्यों का समूह है इसलिए इसका स्वरूप मूर्त होता है। समिति का विचार पूर्वक निर्माण किया जाता है। समिति स्वयं का विकास नहीं कर सकती, इसका निर्माण तो अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी उद्देश्य से जानबूझकर विचार पूर्वक उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। निश्चित संरचना, समिति मनुष्यों का संकलन मात्र नहीं है
मनुष्यों का एकत्रीकरण मात्र नहीं है। समिति के माध्यम से इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति में अनेक पद एवं उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, समिति में एक मुखिया जिसे अध्यक्ष, सभापति, पीठासीन अधिकारी, उसके सहायक, उपाध्यक्ष, उपसभापति आदि कार्यों और निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए सचिव, उपसचिव, सहसचिव एवं साधारण सभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक के अधिकार और कर्तव्य भी सुनिश्चित रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समिति की एक सुनिश्चित संरचना होती है। निश्चित उद्देश्य। समिति की स्थापना का लक्ष्य किसी एक हित या कुछ हितों की पूर्ति करना आवश्यक होता है। यदि समिति का यह लक्ष्य न हो तो कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुपयोगी समिति का गठन कर लेगा, अनुपयोगी समिति का निर्माण कर लेगा, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। इसलिए किसी एक या कुछ समान आवश्यकताओं की पूर्ति सम्मिलित प्रयासों से करने के उद्देश्य से ही समिति का गठन किया जाता है। विविध विविध हितों के लिए, अलग अलग हितों के लिए भिन्न भिन्न समितियां होती है। कोई भी एक समिति अपने सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए अलग अलग आवश्यकताओं या अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग समिति बनाई जाती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि यदि वह उचित या उपयोगी समझे तो ही समिति का सदस्य बने। उसे सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः समिति का सदस्य बनना अथवा सदस्यता त्यागना संबंधित व्यक्ति की इच्छा एवं उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अनेक व्यक्तियों की सदस्यता साथ साथ एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य एक ही समय में बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो वह नौकरी संबंधित हितों की पूर्ति के लिए श्रमिक या कर्मचारी संघ का सदस्य हो सकता है। यदि वह कहीं अंशकालीन शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षा समिति का सदस्य हो सकता है। आर्थिक समस्या से निपटने के लिए वह किसी सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। इस सूची को हम इसी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति इन सभी समितियों का एक साथ एक समय सदस्य हो सकता है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। एक समिति तब तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तक कि वह सदस्यों की उससे संबंधित आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर देती। आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात उसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करने पर सदस्य स्वयं निरुपयोगी समिति की सदस्यता को त्याग देते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक गृह निर्माण समिति अपने सदस्यों को भूमि एवं ऋण अथवा मकान बनाकर देने तथा दिए गए ऋण की वापसी के पश्चात और कोई कार्य शेष न रहने पर वह भंग कर दी जाती है। निश्चित नियम एवं कार्य विधियां होती है। बिना किसी भेदभाव के अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, सदस्य एक दूसरे के हितों को हानि न पहुंचाएं तथा सदस्यों में अनुशासन बना रहे, इस हेतु प्रत्येक समिति के सुनिर्धारित स्पष्ट नियम होते हैं। इसी प्रकार सदस्यों के आचरणों को निर्धारित करने के लिए सुविचारित कार्य विधियां भी होती है। इन नियमों एवं कार्य विधियों का पालन समिति के सभी सदस्यों को समान रूप से करना पड़ता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी रहती है। इस प्रकार समिति का अस्तित्व, उसका सुचारू रूप से कार्य संचालन तथा उससे अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति समिति इन नियमों एवं कार्य विधियों के माध्यम से ही करती है। समिति के सदस्यों में नियम के प्रति जागरूकता होती है। हम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अनेक नियमों से परिचित नहीं हैं। इन्हें जानना हम आवश्यक भी नहीं समझते। इसी प्रकार हम में से अनेकों को भारत के संविधान के प्रावधानों का ज्ञान नहीं है, फिर भी वे भारत के नागरिक हैं। परंतु समिति के संदर्भ में ऐसा कदापि नहीं है।
समिति के माध्यम से चूंकि सदस्यों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति होना है, इसलिए समिति से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रत्येक सदस्य समिति के नियम को भली भांति जानता है। सहयोग परम आवश्यक होता है। एक समिति के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग का होना परम आवश्यक है। सहयोग यदि प्रत्यक्ष या क्रियात्मक नहीं हो तो भी अप्रत्यक्ष सहयोग तो अनिवार्य ही होता है। सहयोग के अभाव में समिति न तो सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है और न ही संगठित रह सकती है। समितियां तो केवल साधन है, साध्य नहीं। समितियां अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्थाएं करती है, न कि स्वयं आवश्यकता की पूर्ति करती है। सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समितियां माध्यम का कार्य करती है, स्रोत का कार्य कदापि नहीं करती। औपचारिक संबंध। समिति उद्देश्य से परस्पर संबंधित होने के कारण समिति के सदस्यों में पारस्परिक क्रियाएं भी कम होती है। सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क का होना भी आवश्यक नहीं है, इसलिए समिति के सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं। यदि हम समिति के उदाहरण के बारे में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मैकाइवर ने विभिन्न प्रकार के स्वार्थों पर आधारित कुछ विशेष समितियों को उदाहरण देके समिति की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अंकित किया है। यदि हम हितों की प्रकृति की बात करते हैं तो सामान्य हितों पर आधारित समितियां हो सकती हैं, जैसे जातिगत संगठन, युवाओं तथा वृद्धों के संगठन, नागरिक कल्याण समितियां, युवा ग्रह और प्राथमिक संबंधों पर आधारित समितियां, जैसे परिवार, क्लब, व्यायाम संघ, खेलकूद समितियां, मनोरंजन समितियां, शैक्षणिक हितों पर आधारित विद्यालय, सुधार ग्रह, प्रशिक्षण समितियां, प्रदर्शन समितियां, आर्थिक हितों पर आधारित जैसे मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां, कृषि समितियां, सहकारी समितियां, बीमा समिति, राजनीतिक हितों पर आधारित जैसे राजनीतिक दल, ग्राम पंचायत, नगर पालिका तथा प्रचार समितियां। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के महिला संगठन, सुधार संघ तथा कला और संगीत को प्रोत्साहन देने वाले संगठनों को भी हम समितियों के उदाहरण के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। यह सभी संगठन इस कारण समिति हैं क्योंकि यह व्यक्तियों के संगठन हैं तथा इनकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर की जाती है। इनकी संपूर्ण कार्यवाही कुछ विशेष नियमों पर ही आधारित होती है तथा इनकी सदस्यता पूर्णतया ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपने हित अथवा इच्छा का ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है या किसी भी समिति को कभी भी छोड़ सकता है। इसके बाद हमारे मन में एक प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह है, समिति का क्या समाज कार्य के विषय के दृष्टिकोण से महत्व होता है? समितियां किस प्रकार से समाज कार्य के विद्यार्थियों को पढ़ने में सहायता प्रदान करती है? समितियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी समितियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न समितियां युक्ति और सामाजिक व्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य करती है कि उन्हें सामाजिक जीवन की एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। इनके कार्य और इनका महत्व तो बहुत ही स्पष्ट है। सर्वप्रथम, समिति आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए समाज कार्य के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को अकेले कभी भी पूरा नहीं कर सकता। एक समिति के रूप में जब बहुत से लोग किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ संगठित होते हैं तो ऐसे संगठन की सहायता से विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत ही सरल हो जाता है। समिति व्यक्तित्व के विकास का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। सभी समितियां अनुशासन और व्यवहार के कुछ नियमों पर आधारित होती है। इनकी सहायता से व्यक्ति नियमबद्ध रहकर व्यवहार करना सीखता है। यही सीख
व्यक्तित्व को विकसित करती है। पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने में भी समितियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सभी समितियां एक दूसरे से भिन्न विचारों, संस्कृतियों तथा धर्मों के लोगों को एक दूसरे के निकट में संपर्क में लाती है। इसके फलस्वरूप समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग की प्रक्रिया अधिक प्रभावपूर्ण बन जाती है। जनमत का निर्माण करना भी समिति का बहुत ही प्रमुख कार्य है। समाज में जिन विषयों को महत्वपूर्ण समझा जाता है, समितियां अपने सदस्यों को इन विषयों के प्रति जागरूक बनाती है। इसी जागरूकता से जनमत का निर्माण होता है। वर्तमान लोकतांत्रिक समाजों में यही जनमत सरकार और अधिकारियों के निर्णयों को भी प्रभावित करता है। समितियों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि समितियां व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न समितियां अपने सदस्यों को इस तरह संगठित करती है जिससे वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकें तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। समिति के महत्व के पश्चात आइए हम यह बात को जानने का प्रयास करते हैं कि समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि समिति और समुदाय में हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं। समिति और समुदाय की अवधारणा एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है? समिति, जैसा कि अभी हमने देखा, मनुष्यों का एक समूह है। समुदाय भी निश्चित रूप से मनुष्यों का समूह है। समिति भी मूर्त होती है, समुदाय भी मूर्त होता है। समिति की स्थापना मनुष्यों द्वारा की जाती है, परंतु यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समुदाय का विकास स्वतः होता है। समुदाय का विकास मनुष्यों द्वारा किया नहीं जाता, उसका विकास तो अपने आप स्वतः ही हो जाता है। समिति की निश्चित संरचना होती है, परंतु समुदाय की यदि हम बात करते हैं तो समुदाय में स्तरीकरण, श्रम विभाजन पाया जाता है तथा औपचारिक पदों एवं उसके साथ जुड़े हुए कर्तव्यों की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। जबकि हमने समिति में देखा था, औपचारिक रूप से समिति की संरचना बहुत ही स्पष्ट होती है, पदों से जुड़े हुए कर्तव्य भी बहुत स्पष्ट होते हैं। समुदाय औपचारिक संगठन नहीं होता। समिति अपने सदस्यों की किसी एक या कुछ उद्देश्यों की ही पूर्ति करती है। समुदाय में रहकर व्यक्ति सामान्य जीवन का निर्वाह तो करता है, न कि किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति करता है। विविध हितों की दृष्टि से समितियां भी अनेक हो सकती हैं। दूसरी ओर समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यदि आपको समुदाय में रहना है तो उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। समिति में हमने यह देखा कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसकी सदस्यता आप कभी भी छोड़ सकते हैं, परंतु समुदाय की सदस्यता को छोड़ने से आप समुदाय से पूर्णतः अलग हो जाते हैं। समिति अस्थायी होती है। समुदाय समिति की अपेक्षा एक स्थायी अवधारणा होती है। समिति के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कार्यविधियां होती है। इनका निर्माण औपचारिक रूप से ही किया जाता है। इसके सदस्य समिति के नियमों के प्रति जागरूक होते हैं। दूसरी ओर जब हम समुदाय की तरफ निगाह डालते हैं तो समुदाय में भी निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कार्यविधियां होती है। इन नियमों का निर्माण किया नहीं जाता, ये कार्यविधियां और नियम अपने आप विकसित हो जाते हैं। जबकि समिति में हम नियमों और कार्यविधियों का आपस में बैठकर विचार पूर्वक निर्माण करते हैं। समुदाय के सदस्यों में पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। समुदाय स्वयं साध्य है, समिति साधन है, साध्य नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। समुदाय जिस प्रकार से स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, समिति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। समुदाय के सदस्यों में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समिति के सदस्यों में औपचारिक तथा सीमित संबंध होते हैं। वे केवल लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति तक ही
सीमित होते हैं। समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक भूभाग होता है। एक निश्चित भौगोलिक भूभाग पर पाए जाने वाले मनुष्यों के समूह को ही हम समुदाय कहते हैं। समुदाय के सदस्यों में स्पेशली विशेषतः समरूपता पाई जाती है। एक जैसे लोग, एक जैसी शारीरिक विशेषताएं वाले, एक जैसी सांस्कृतिक विशेषताएं वाले, एक जैसी सामाजिक विशेषताएं वाले लोग जब एक निश्चित भूभाग पर एकत्रित हो जाते हैं तो उससे समुदाय का निर्माण होता है। समिति के सदस्यों में कदापि आवश्यक नहीं है कि वे एक जैसे भूभाग पर रहते हों, एक जैसी सामाजिक विचारधारा हो, एक जैसी आर्थिक विचारधारा हो। भिन्न भिन्न विचारधारा होने के बावजूद भी वे समिति के सदस्य हो सकते हैं। समिति के नियम एवं कार्य विधियों में प्रायः परिवर्तन नहीं होता, परंतु समुदाय चूंकि एक गतिशील अवधारणा होती है, समुदाय के लोगों में परिवर्तन समय की मांग के अनुसार होता रहता है तथा यह परिवर्तन उनके नियमों में, उनकी कार्य विधियों में भी परिवर्तन लाता रहता है। इसकी कोई बाध्यता नहीं होती कि इन कार्य नियमों को, इन परिवर्तनों को नहीं किया जा सकता। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, उसे इस नाम के आधार पर अन्य समुदायों से पृथक किया जा सकता है। इसको कोई वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। जबकि दूसरी ओर हम समिति में देखते हैं तो समिति का पंजीयन होता है, समिति की एक वैधानिक अवधारणा होती है, समिति वैधानिक रूप से पंजीयन प्राप्त होती है, इसे वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। समिति का सदस्य बनने के लिए सदस्यता हमें अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी पड़ती है। यदि हम समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी सदस्यता का एक निश्चित आवेदन पत्र होता है। उन आवेदन पत्र पर हमें सदस्यता को ग्रहण करना होता है। जबकि समुदाय में रहने के लिए, समुदाय का सदस्य बनने के लिए, यदि हम उस भौगोलिक वातावरण में, उस भौगोलिक भूभाग पर जाकर हम स्वयं रहने लग जाते हैं तथा उनके आचरणों का, उनके नियमों का, उनकी व्यवस्थाओं का पालन करने लगते हैं तो स्वयं ही हम समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। समुदाय का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु समिति का आकार सीमित होता है। समुदाय में अनेक लोग आ सकते हैं, अनेक लोग उससे जुड़ सकते हैं, परंतु समिति की सदस्यता बहुत ही सीमित होती है। समिति एक विशेषीकृत संगठन होता है, एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है। जबकि समुदाय एक सामान्य व्यवस्था है, एक सामान्य अवधारणा है। एक सामान्य भूभाग पर आकर जब व्यक्ति निवास करने लग जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय के रूप में जानने लग जाते हैं। ये महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि समिति और समुदाय को हम किस प्रकार से पृथक पृथक देखकर, पृथक पृथक अलग करके हम इस अवधारणा को समझ सकते हैं। दूसरी ओर एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा हमारे सामने आती है, वह है संस्था की। समिति और संस्था को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, समिति और संस्था में क्या क्या अंतर होता है, इस बात को भी हम अगले अध्याय में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। समय की प्रतिबद्धता है, संस्था को किस प्रकार से समिति से अलग किया जा सकता है, इसके बारे में मित्रों हम पुनः अलग से एक अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग समिति। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉ. सुनील गोयल। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।